दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार कारागारों को एक ऐसी संस्था के रूप में काम करना चाहिए जहां पर कैदियों का सुधार हो सके। कारागारों को यातना स्थल नहीं अपितु उपचारात्मक संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और भारत में न्यायिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप कारागारों की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था पर प्रश्न उठने प्रारंभ हुए और कैदियों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रावधान किए गए। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यह प्रावधान किया गया कि किसी कैदी को यातना नहीं दी जाएगी और किसी कैदी के साथ क्रूरतापूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा अर्थात इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में यह प्रावधान किया गया कि वे सभी लोग जिनको उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा और मानव मात्र की अंतर्निहित गरिमा का सम्मान किया जाएगा। सन 1955 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीड़ितों के संबंध में कुछ मानक नियमों का प्रतिपादन किया जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिक नियम इस प्रकार हैं। नंबर एक, समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और नस्ल, लिंग, रंग अथवा धर्म के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कैदियों के मध्य राजनैतिक या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म अथवा प्रतिष्ठा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर तीन, स्त्री और पुरुष कैदियों को जहां तक संभव हो सके अलग अलग संस्थानों में निरुद्ध किया जाना चाहिए अर्थात स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कारागारों की व्यवस्था होनी चाहिए। सिविल प्रिजनर्स एवं अपराध के लिए दंडित किए गए अपराधियों के मध्य पूर्ण विभाजन होना चाहिए। अवयस्क कैदियों को वयस्क कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए। कैदियों को कम से कम एक अर्हता प्राप्त चिकित्सक जिसे मनस्चिकित्सा अर्थात साइकियाट्री का भी ज्ञान हो की भी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स अर्थात कैदियों के प्रति व्यवहार के आधारभूत सिद्धांत को अंगीकृत किया गया और इसकी घोषणा की गई। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नोक्त हैं। पहला, कैदियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। नंबर दो, नस्ल, रंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म अथवा अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर तीन, कैदियों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वास का आदर किया जाएगा। नंबर चार, सभी कैदियों को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाई गई अन्य प्रसंविदाओं में उल्लिखित मानवाधिकार एवं आधारभूत स्वतंत्रता
प्राप्त होगी। नंबर 5, एकांत परिरोध को समाप्त करने या इसे सीमित किए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। नंबर 6, कैदियों को पारिश्रमिक सहित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे स्वयं की और अपने परिवार की वित्तीय मदद कर सकें। नंबर 7, कैदियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय विधि के अंतर्गत भारतीय संविधान, दंड प्रक्रिया संहिता एवं कुछ अन्य विधियों के अंतर्गत कैदियों के विभिन्न अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कैद किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। डीबीएम पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल निरोध मात्र से किसी कैदी के संविधान में प्रदत्त सारे मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए विभिन्न वादों में कैदियों के कुछ प्रमुख अधिकारों को मान्यता दी है। एमएच हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई कैदी विधिक सहायता के अभाव में अपने संवैधानिक एवं सांविधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ है, जैसे अपील करने का अधिकार, अपील के लिए विशेष इजाजत आदि, तो अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने घोषणा की कि यह राज्य का दायित्व है, न कि सरकार द्वारा की जाने वाली अनुकंपा। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी कैदी को एकांत परिरोध में रखकर उसे अन्य कैदियों से मिलने एवं बात करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का प्रयोग न केवल किसी व्यक्ति को अवैध निरोध से मुक्त करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका प्रयोग कैदियों को अमानवीय एवं बर्बर व्यवहार से बचाने और जेल अधिकारियों को कैदियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी कैदी को लगातार दिन रात बेड़ियों में रखना उसे मनुष्य के स्थान पर पशुवत बना देने जैसा है और यह क्रूर एवं संविधान की भावना के विरुद्ध। हुसैनारा खातून बनाम होम सेक्रेटरी बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शीघ्र विचारण का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो शीघ्र विचारण को सुनिश्चित न करती हो उसे युक्तियुक्त, रिजु
और न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हथकड़ी लगाना अमानवीय है और अनुच्छेद 21 से असंगत है। हथकड़ी तभी लगाई जानी चाहिए जब कैदी द्वारा पुलिस के नियंत्रण को तोड़कर भागने का खतरा स्पष्ट रूप से मौजूद हो और इसके लिए पर्याप्त तथ्य हो, ना कि कल्पना मात्र। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए रखा जाता है तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इस वाद में रुदल शाह को 30,000 रुपया प्रतिकर के रूप में दिलाया गया, क्योंकि जेल अधिकारियों के असंवेदनशील व्यवहार के कारण उसे दोष मुक्त के बावजूद भी 14 वर्ष जेल में रहना पड़ा। आरडी उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महिला कैदियों के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बच्चों के अधिकारों जैसे भोजन, आश्रय, चिकित्सा, वस्त्र, शिक्षा एवं मनोरंजन सुविधा सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी गर्भवती महिला को जेल भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस जेल में उन्हें भेजा जा रहा है उसमें प्रसव संबंधी आधारभूत सुविधाएं हों, साथ ही साथ प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात मां एवं शिशु की देख रेख की उचित सुविधाएं उपलब्ध हों। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म का स्थान कारागार नहीं अभिलिखित किया जाना चाहिए, अपितु उसका स्थानीय पंजीयन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को महिला कैदियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। धर्मवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कैदियों को अपने परिवार वालों से मिलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को निरोध का कारण जानने और अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कैदियों को कारावास की अवधि में किए गए कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। दीना बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि किसी कैदी को उचित पारिश्रमिक दिए बिना उससे श्रम करवाया जाता है तो यह बलात्श्रम की श्रेणी में आएगा और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। कैदी अपने कार्य का उचित पारिश्रमिक पाने का हकदार है और न्यायालय उनके दावों को लागू करने के दायित्वाधीन है। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के ऊपर यह दायित्व आरोपित किया गया कि
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित ना रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अर्थात इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के ऊपर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व अधिरोपित किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत रिज विचारण को सुनिश्चित करने के लिए और विचाराधीन कैदियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 436 में जमानती अपराध के मामले में जमानत का उपबंध किया गया है। संहिता की धारा 437 गैर जमानती अपराध के बारे में जमानत से संबंधित प्रावधान का वर्णन करती है। धारा 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों का उल्लेख करती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167(2) यह उपबंध करती है कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अन्वेषण पूरा न होने पर कैदी को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस धारा के अनुसार यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष से अन्यून अवधि से दंडनीय अपराध के मामले में 90 दिन की अवधि के अंतर्गत अथवा किसी अन्य अपराध के मामले में 60 दिन की अवधि के अंतर्गत अन्वेषण पूरा नहीं हो जाता है तो निरुद्ध अभियुक्त को उपर्युक्त 90 अथवा 60 दिन की अवधि बीत जाने पर यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 का उस अधिकतम अवधि के बारे में उपबंध करती है जिसके लिए विचाराधीन कैदी को निरुद्ध किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई कैदी अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उसके ऊपर अभियोजित अपराध के लिए उल्लिखित अधिकतम दंड के आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है तो उसे प्रतिभों सहित या रहित व्यक्तिगत बंध पत्र पर छोड़ दिया जाएगा, परंतु इस धारा का लाभ किसी ऐसे अपराध के अभियुक्त को नहीं मिलेगा जिस अपराध के लिए मृत्युदंड एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 416 के अनुसार यदि वह स्त्री जिसे मृत्युदंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण करेगा। अर्थात किसी गर्भवती महिला अपराधी को मृत्युदंडादेश दिए जाने की स्थिति में उस मृत्युदंड के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा।
कारागार अधिनियम 1894 के अंतर्गत कैदियों को स्वच्छता एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा स्त्री पुरुष आपराधिक सिविल सजायाफ्ता एवं विचाराधीन कैदियों के रहने की पृथक व्यवस्था से संबंधित उपबंध किए गए हैं। द प्रिजनर्स एक्ट 1990 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई कैदी विकृत चित्त है तो यह सरकार का दायित्व है कि उसे ऐसे स्थान पर रखे जहां उसे उचित चिकित्सा प्राप्त हो सके। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कारागार में निरुद्ध होने मात्र से किसी व्यक्ति के सभी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। निश्चित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उन्हें भी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए भारतीय संविधान और अन्य विधायनों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। आवश्यकता है तो उनके समुचित क्रियान्वयन की।